गई तू? चल अब जल्दी से बैठ। बैठना बैठना नहीं है मुझे, ये बता तूने बुलाया क्यों है? एक्चुअली मैं यहाँ पे अर्जुन के साथ डिनर के लिए आई थी तो, लेकिन उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैंने तुझे कॉल किया। चल अब बैठ के मुझे कंपनी दे। तू तो जानती है ना ये खाना वाना मुझसे अकेले नहीं खाया जाता है। अच्छा मैंने मेक्सिकन पास्ता और सैलेड ऑर्डर किया, ठीक है? मैं यहाँ खाना खाने वाली नहीं हूँ और तू भी यहाँ पे खाना नहीं खा रही है, समझी? पर क्यों? क्योंकि हम घर जाएंगे और घर जाके आजी और पूर्वी के साथ खाना खाएंगे। कहाँ वो स्टॉल? नहीं प्लीज, मैं स्टॉल में नहीं जाने वाली हूँ। तुझे पता है आजी की तबीयत इस समय बहुत खराब है और इस समय ना उन्हें मेरी जरूरत है। अगर तुझे वर्ल्ड में कहीं बेस्ट खाना खाना है ना तो वो सिर्फ आजी के हाथ का है। लेकिन तेजू, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ऑर्डर कैंसिल और चल चल। मेरा मुंह क्या देख रही है, बुलाओ उसे। ओके बेटा। क्या है मानव? मानव तो वही कंगन है ना जो मैंने ओवी के लिए, लेकिन आप भी क्यों लाए? क्योंकि ये तुम्हारी अमानत है और तुम्हारा पति होने के नाते मैं तुम्हें इसे बेचने नहीं दे सकता। लेकिन मानव इस अर्चना, तुम आज भी कानूनन मेरी बीवी हो, देशमुख घर की बहू, और देशमुख घर की बहुएं इस तरह बिना गहनों के रहे ये शोभा नहीं देता, और मेरे रहते हुए मैं तुम्हें ऐसे कभी करने नहीं दूंगा, इसलिए मैं ये कंगन छोड़ा लाया। अर्चना, तुम अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहती हो, तुम्हारी ये फीलिंग्स ही ज्यादा मायने रखती है। थैंक यू मानव इसके लिए, लेकिन मैं तोहफा आपसे नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि मानव मैंने अपनी चूड़ियां बेचकर ओवी के लिए गिफ्ट लिया था, मेरी बच्ची के लिए गिफ्ट लिया था, और अब आप ये चूड़ियां वापस करके, मानव मैं अपने गिफ्ट में किसी और को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहती। और सच कहूँ तो ये सिर्फ एक तोहफा नहीं, ये मेरा प्यार है जो मैंने अपनी बेटी को दिया है इन चूड़ियों के जरिए। अर्चना, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र करता हूँ और तुम्हें अपनी तरफ से ओवी को गिफ्ट देने का पूरा हक है। मैं उस हक को छीन नहीं रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे गहने नहीं लोगी, इसलिए मैंने सोचा है कि एलिमनी के पैसों में जिससे ये गहने भी तुम्हारे पास रहेंगे और ओवी को गिफ्ट देने की तुम्हारी खुशी भी बनी रहेगी। मानव आपको याद है ये कंगन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये कंगन आपने मुझे मेरे बर्थडे पर दिए थे, याद है? अरे हाँ, मैं तुम्हें बर्थडे विश करना भूल गया था और इसीलिए तुम्हें मनाने के लिए मैं ये कंगन ले आया था। तुम मुझसे रूठी हुई थी लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझसे बात नहीं की। हाँ, क्योंकि आप उस वक्त अपने काम में इतना बिजी रहते थे कि आपको याद भी नहीं था मेरा बर्थडे या नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता था? हाँ अर्चना, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए काम बहुत जरूरी था और काम के चक्कर में मैं हर छोटी छोटी जरूरतें और खुशियों को नजरअंदाज कर देता था। वो भी क्या दिन थे, अब उन दिनों का एक एक पल हमारे दिल में याद बनकर बस गया है। और आज कितना कुछ बदल गया है। आज की सच्चाई ये है कि 4 महीने बाद हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अब ना वो वक्त कायम रहा और ना ही हमारा रिश्ता।